हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आच्छल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल में। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण संबंधित दिवस। मतलब हमारे देश में और पूरे दुनिया भर में पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, ये उसकी लिस्ट है। बहुत सारे जो प्रीलिम्स की परीक्षाएँ होती हैं एग्ज़ाम में, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले फरवरी माह में 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। फिर मार्च में टोटल 3 दिन मनाया जाता है, 3, 21 और 22। 21 को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, तो याद करते चलेंगे। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व नम भूमि दिवस। मार्च में टोटल 3 होते हैं, 3, 21 और 22। वन्य जीव दिवस, विषय वन और विषय विश्व वानिकी दिवस और फिर जल दिवस। अप्रैल में 2 हैं, एक तो आपका 7 अप्रैल, दूसरा 22 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद अभी वर्ल्ड अर्थ डे आया भी था, मई में अब मनाया जाता है, आएगा 22 मई को आएगा विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता क्या होती है, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस, मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन क्या होता है, ओजोन परत का क्षरण क्या होता है वो हमने पढ़ा है। तो 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रदूषण निवारण दिवस। तो अब इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो विश्व नम भूमि दिवस होता है उसको 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसार सम्मेलन नम भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसार जो है वो ईरान में एक नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहाँ पे एक बैठक हुई थी, जिसके बाद एक कन्वेंशन साइन हुआ था और इसमें बोला गया था कि 2 फरवरी को जो है विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। फिर आता है आपका 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस, ये 2014 से मनाया जा रहा है। 3 मार्च 1973 को विलुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय पर हस्ताक्षर किया गया था और इस अभिसमय में 179 सदस्य देश हैं। इस कारण 20 दिसंबर को जो है ये वाला जो 2013 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह घोषणा किया गया था कि 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा 2014 से। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को 1988 को विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO के द्वारा जो है इसका संगठन हुआ था, जिसकी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या, विश्व पृथ्वी दिवस। तो ग्लोबल वार्मिंग, विभिन्न जंतुओं का विलुप्त होना, जल संकट, ओजोन परत छेद जैसे समस्याओं को लोगों से रूबरू कराने के लिए 22 अप्रैल 1970 में यह घोषणा किया गया था कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। अब 22 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। ये जो है राष्ट्रीय संघ द्वारा इसका अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून 1972 को स्वीडन में संपन्न हुआ था स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसमें मानव विकास और प्रगति, पर्यावरण को विशेष ध्यान और पर्यावरण में जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, पीटर्सबर्ग रशिया में। तो इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जो है ये दिवस मनाना चालू किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। इसमें जितने भी साल भर में विश्व में पर्यावरण से संबंधित दिवस होते हैं उनकी लिस्ट है। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद होनी ही होनी चाहिए। हो सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। तो आप लोग इस लेसन को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।